हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा, और आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं कि ठीक है, हम रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में हमेशा रह रहा है कि हमारा प्रोटीन कंटेंट जो है वो कैसे पूरा होगा। आजकल मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, लाइक प्रोटीन पाउडर्स हैं, प्रोटीन शेक्स हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं कि हर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि प्रोटीन कंटेंट हमारी बॉडी में हर हाल में पूरा होना चाहिए। उसके लिए हम चाहे किसी भी तरह का लो क्वालिटी प्रोटीन भी लेने को तैयार हो जाते हैं। एंड मोर ओवर, हम लोगों को जो चीज़ नहीं पता होती है, जस्ट बिकॉज अपने मसल्स गेन करने के लिए जो प्रोटीन पाउडर्स एंड शेक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, दे आर वेरी हैवी ऑन योर किडनीज। एंड बहुत सारे ऐसे केसेस निकल के आते हैं जिनको बाद में किडनी के रिलेटेड क्रॉनिक किडनी फेलियर या एक्यूट किडनी फेलियर, इस तरह की डिजीजेस जो है, कहीं ना कहीं उनका रीजन क्रॉनिक किडनी फेलियर में ज़्यादातर देखा गया है कि उनका यूरिया और क्रिएटिनिन का कंटेंट बढ़ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर एंड शेक्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा ये वीडियो उन सब के लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा प्रोटीन इज अ क्वालिटी प्रोटीन जो हमें लेना चाहिए, एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन जो है आपको लेना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दिस, आप सिर्फ ये देखिए कि प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, जब तक वो कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हमें उसमें ब्रिक्स भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, रॉड्स भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। बट आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड, अगर जब वो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद हमें सीमेंट या कुछ भी रिक्वायर्ड है जस्ट टू रिपेयर एंड मेंटेन दैट बिल्डिंग। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी जब ग्रोथ का फेज है तब प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा चाहिए, एंड आफ्टर दैट सिर्फ मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड लिटिल बिट ऑफ इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन कंटेंट रिक्वायर्ड है, एंड दैट टू इन लो क्वांटिटीज। उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो दैट विल बी हैवी ऑन योर किडनीज। मोर ओवर, अगर लो क्वालिटी प्रोटीन होगा दैट इज ऑल्सो नॉट बेनिफिशियल। इसको आप ऐसा भी ले सकते हैं, ह्यूमन्स को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। उसके लिए जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। जैसा कि हम ह्यूमन मिल्क में जस्ट 1.5% ऑफ प्रोटीन इज देयर, वेयर एज अगर हम देखें कि रैबिट में तो 9.5% ऑफ प्रोटीन कंटेंट इज देयर इन रैबिट्स मिल्क। क्यों? क्योंकि रैबिट को बहुत जल्दी विद इन 6 मंथ्स प्रॉपर ग्रो कर जाना है। सिमिलरली काउ में भी ज़्यादा है, बकरी में भी ज़्यादा है, डॉग में भी 6.5%। तो ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन कंटेंट थोड़ा सा कम दिया है नेचर ने, बिकॉज दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड। एंड आफ्टर जब भी काफ के टीथ आ जाते हैं तो वो ग्रास ईटिंग बन जाता है, वो मिल्क नहीं लेता है। तो ग्रास जब वो ईट करता है तब भी उसका प्रोटीन कंटेंट पूरा होता है, सिर्फ ये इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा चलता है। इसीलिए मेरा वीडियो आज उन सब लोगों के लिए है कि अगर हमें वेजिटेरियन ही रहना है, यानी कि रॉ सैलड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम ले रहे हैं, तो हमारा प्रोटीन कंटेंट किस तरीके से क्या खाकर पूरा होगा। सबसे पहले एक चीज आप जान लीजिए, प्रोटीन क्या है। छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स की चेन को प्रोटीन कहते हैं। तो इंसान के दिमाग में क्या है कि जिस चीज में ये प्रोटीन होगा वही हमारी मसल्स बना सकता है, बट द एक्चुअल फैक्ट इज कि जो जिसमें अमाइनो एसिड्स भी हैं वो भी हमारा प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किस चीज से बना है? अमाइनो एसिड से। या हमारी बॉडी में जब भी प्रोटीन जाता है उसको एज सच डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस, हमारी एनर्जी उसमें जाती है, कितने घंटों जाते हैं उस प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए। और जब वो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, यानी कि इजीली डाइजेस्टिबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट या एक्सेसिव वेस्टेज बनता है। वो क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड्स, कुछ एसिड्स बनते हैं बहुत तरह के। अब वो एसिड्स क्या करते हैं? हमारे ब्लड का पीएच लेवल, दैट इज बेसिक, उसको इंक्रीज कर देते हैं। उसको इंक्रीज करके ब्लड को एसिडिक बनाते हैं। जहां भी एसिड होगा वहां इरिटेशन होगी, सेल इरिटेट होगी। एसिड्स हमेशा इरिटेशन क्रिएट करते हैं, अल्सर्स हो सकता है, अल्सर्स भी इसी के आगे जाके ऐसे स्टेजेस में हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हम प्रोटीन को प्रोटीन की फॉर्म में लेते हैं तो बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन जब हम उस प्रोटीन को अमाइनो एसिड की फॉर्म में ही लेते हैं
तो बॉडी को वो पहले ही इजीली डाइजेस्टिबल फॉर्म में टूटा हुआ मिलता है, बहुत जल्दी से बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत जल्दी से बॉडी उसको असिमिलेट कर लेती है, बहुत जल्दी से उसके जो भी बेनिफिट्स हैं बॉडी को वो बॉडी को मिल जाते हैं। अब प्रोटीन को प्रोटीन फॉर्म में किस जैसे प्रोटीन फॉर्म में कैसे लेते हैं, एनिमल प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग। प्रोटीन को अमाइनो एसिड के फॉर्म में हम कैसे लेते हैं, क्या आप जानते हैं? प्रोटीन को अमाइनो एसिड के फॉर्म में हम कुछ भी ग्रीन चीज़ों में लेते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स हैं। स्प्राउट्स में भी प्रोटीन है, लेकिन आप मेजर करेंगे तो प्रोटीन कंटेंट कम है, लेकिन अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में प्रोटीन है। इट इज़ इन एन ईजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म, जिसको कोई भी डाइजेस्ट कर सकता है। इट इज़ नॉट हैवी। मोर ओवर, ये किसी भी तरह के एसिड्स या रेजिडुअल्स नहीं प्रोड्यूस करता या टॉक्सिन्स नहीं प्रोड्यूस करता बॉडी में। तो इस तरह से हम पल्सेस से, इट्स हाई क्वालिटी प्रोटीन, पल्सेस से ले सकते हैं आप। देन बहुत अच्छी एक ही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, चिया सीड्स। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे अमाइनो एसिड्स बहुत सारे तरह के होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, बट 9 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बहुत बोला जाता है कि सिर्फ एनिमल डाइट से लिए जा सकते हैं, दैट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, क्योंकि वो हमें वीगन डाइट से, वेजिटेरियन डाइट से नहीं मिलते। तो वेजिटेरियंस के दिमाग में हमेशा ये चलता है कि हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो जो 9 वाले मेन हैं, वो कैसे पूरे होंगे, वो हमें किसी भी प्लांट डाइट से नहीं मिल सकते। तो उसके लिए बहुत ही ईजी चीज़ लेके आई हूँ, दैट आर चिया सीड्स। चिया सीड्स आप देखेंगे तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट है, हाई अमाउंट ऑफ फाइबर है, हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, माइक्रो एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, मिनरल्स बहुत सारे हैं, कैल्शियम है, आयरन है, मैंगनीज है, बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिंस हैं। इट इज़ अ सुपर फूड, चिया सीड्स। तो जब आप सीड्स, चिया सीड्स को ऐड करते हैं, ये एक ऐसा सीड है, जस्ट 1 टेबल स्पूनफुल से आपको इसको स्टार्ट करना है एंड इसको सोक करके ही लेना है। कभी भी इसको बिना सोक किए नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इसको सोक करके नहीं लेंगे, ऑलमोस्ट चिया सीड्स की एक हैबिट है कि जब आप उसको पानी में सोक करते हैं तो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स अपने वाटर जो है वो अपने में सोक लेता है। तो अगर आप जस्ट ऐसे स्वेलो करेंगे तो आपके सलाइवा के साथ मिक्स होकर कई बार वो आपको चोक कर सकते हैं। तो ऑलवेज सोक इट 1 night बिफोर एंड देन आप चिया सीड्स का 1 tablespoonful से स्टार्ट करके इसको 2 tablespoonful तक भी लेके जा सकते हो। तो नेचर हैज गिवन अस nuts एंड सीड्स। सीड्स कौन से हैं, जैसा कि पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सिसमी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, देन चिया सीड्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। चिया सीड्स इसलिए मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज ये आपको वही 9 essential अमाइनो एसिड्स, जैसे कि मीथुरिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, इस तरह के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स देता है, जो कि आपको प्लांट डाइट से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है मिलने के लिए। देन ये जो आप नॉर्मल नट्स लेते हैं, कैश्यूज लेते हैं, आलमंड्स लेते हैं, वो भी आप साथ में लेके जाइए। एंड देन आप जो प्रोटीन्स लेते हैं, दाल खाते हैं, वो भी आपका प्रोटीन कंटेंट पूरा करता है। तो प्रोटीन कंटेंट आपका इन सब चीज़ों से पूरा हो जाता है, जस्ट अगर आप 2 चम्मच चिया सीड्स भी रेगुलरली लेते हैं, अलॉन्ग विद दैट कुछ नट्स का मिक्सचर, सीसमी, सनफ्लावर, पम्पकिन, फ्लैक्स सीड्स, तो आपका प्रोटीन कंटेंट बहुत इजीली, जितना आपके बॉडी को चाहिए उतना मिल जाता है। एक्सेसिव हमको चाहिए भी नहीं, बिकॉज एक्सेसिव इज ऑलवेज हैवी ऑन किडनीज। व्हाई इट इज हैवी ऑन किडनीज, बिकॉज अगर वो क्वालिटी प्रोटीन नहीं है एंड वो प्रोटीन को तोड़ने पे बहुत सारे एसिड्स फॉर्म हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी हैवी ऑन योर किडनीज। सो ऑलवेज बी विजिलेंट, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है प्रोटीन कंटेंट कैसे पूरा होगा, वो आपका पूरा हो जाएगा। नेचर हैज़ मेनी थिंग्स टू ऑफर यू एंड मोर ओवर, जैसे स्प्राउट्स हैं या इवन हमारी वेजिटेरियन चीज़ें हैं, उनमें भी प्रोटीन प्रोटीन की फॉर्म में नहीं है, अमाइनो एसिड की फॉर्म में छिपा हुआ बैठा है, जो सीधा आपके बॉडी में जाएगा एंड सीधा जो भी प्रोटीन में करना है उससे बेटर करके दिखाएगा। तो इनकेस आपका और कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, आप पूछ सकते हैं। तो प्रोटीन कंटेंट आप इस तरीके से अपना पूरा कर सकते हैं विद नेचुरल थिंग्स ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।